नमस्कार, आप सबका स्वागत है। यहाँ के लंका थाना क्षेत्र में मंगलवार को अचानक कुछ लड़कियों ने हंगामा शुरू कर रोड जाम कर दिया। उनका आरोप था कि छेड़खानी की शिकायत करने के बावजूद पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। घटना के दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे में खुद एक्शन लेना पड़ रहा है। पीड़ित स्टूडेंट मंजू, काल्पनिक नाम, ने बताया, हम लोग डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं। रविवार शाम सहेली के साथ मछली खरीदने मार्केट गए थे। इसी दौरान एक लड़का आया और हम लोगों के सामने स्कूटी खड़ा कर दिया। वहाँ भीड़ थी, इसलिए मैंने कहा, भैया गाड़ी साइड कर लो। इस पर उसने जवाब दिया, पहले ऊपर से नीचे तक देख तो लूं। इस पर मैंने कहा, तुम्हारे घर बहन नहीं है क्या? ये कहते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी जैसी खूबसूरत नहीं है। फिर मारपीट करने लगा। वहाँ मौजूद लोगों ने पहले तमाशा देखा, फिर उसे भगा दिया। बता दें, लंका थाना क्षेत्र के सुंदरपुर मार्ग को लड़कियों ने 40 मिनट तक जाम रखा। इसकी जानकारी होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। लंका थाने की फोर्स, महिला पुलिस और फैंटम दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और लड़कियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। काफी मशक्कत के बाद लड़कियों ने जाम खोला। लंका एस संजीव मिश्रा ने कहा, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लड़के का पता कर पुलिस उसके घर गई थी, लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।